आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को दिए कर्ज में गड़बड़ी के आरोप झेल रही चंद्रा कोचर को जांच पूरी होने तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। उनकी जगह पर बैंक ने संदीप बख्शी को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। वीडियोकॉन को दिए गए कर्ज की वजह से विवादों में चल रही आईसीआईसीआई बैंक की अधिकारी चंदा कोचर मामले में सोमवार को नया ट्विस्ट आया। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन लोन मामले में आंतरिक जांच पूरी होने तक चंदा कोचर को छुट्टी पर भेज दिया है। चंदा कोचर की जगह आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी है। बख्शी अभी तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में बतौर एमडी और सीईओ काम कर रहे थे। बख्शी आज से ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीआईसीआई बोर्ड की मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया कि चंदा कोचर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बनी रहेंगी। कोचर की गैर मौजूदगी में सीओओ संदीप बख्शी बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बैंक का पूरा कारोबार और कॉरपोरेट कामकाज बख्शी ही संभालेंगे। बोर्ड के सभी कार्यकारी निदेशक और प्रबंधन संदीप बख्शी को रिपोर्ट करेगा, जबकि बख्शी बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर को ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन चंदा कोचर के छुट्टी पर रहने तक वो बैंक के बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। संदीप बख्शी आज से ही बैंक के सीईओ का पदभार संभाल लेंगे। बख्शी अब तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने एनएस कन्नन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की भी सिफारिश की। चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के दौरान अनियमितता बरती और अवैध तरीके से निजी लाभ लिया। इसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर का नाम भी सामने आया है। चंदा कोचर पर लगे आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णन कर रहे हैं। पूर्व जज श्रीकृष्णन पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में नियमों का उल्लंघन किया है। चंदा कोचर के खिलाफ जांच की घोषणा पिछले महीने ही की गई थी।